मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लास। आज का विषय है मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में आज हम लोग 9th चैप्टर ही सीखेंगे, पार्ट 3 वार बुक का। 9th चैप्टर माय फन डे पार्ट 3 वार बुक में से पेज नंबर 101 से 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, राइट द नेम्स ऑफ द जस्ट प्रीसीडिंग एंड द जस्ट सक्सेडिंग मंथ। मतलब पीछे का मंथ और आगे का मंथ लिखना पड़ेगा, और बीच वाला जो मंथ है वो मंथ बुक्स में दिया हुआ है। जो पीछे का मंथ है और जो आगे का मंथ है, मतलब बिफोर और आफ्टर, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर वन देखो, नंबर वन क्या लिखा है, श्रावण। तो ये हिंदी कैलेंडर का दिया गया है महीने का नाम श्रावण। तो श्रावण का पहले क्या आता है, अस श्रावण, उसके बाद आता है भाद्र। तो ऐसा ही करके पूरा 1 से लेके 10 तक करना है, ठीक है। टू नंबर उसमें लिखा है फागन। फागन का पीछे कौन सा महीना है और आगे कौन सा महीना है, आपको लिखना पड़ेगा। फागुन का पीछे का महीना है माह, फागुन चैत्र। फिर 3 नंबर भी ऐसा ही है, भाद्र लिखा हुआ है, और इसका पीछे का मंथ और आगे का मंथ आपको लिखना पड़ेगा। तो भाद्र का पीछे का मंथ है श्रावण, फिर भाद्र, फिर अश्व। 4 नंबर पे आएगा फागुन चैत्र वैशाख। 5 नंबर में आएगा माक्षर पोष माह। 6 नंबर से देखो स्टूडेंट, 6 नंबर से इंग्लिश कैलेंडर, मतलब क्रिश्चियन कैलेंडर जो है उसका दिया गया है महीने का नाम। तो बीच में लिखा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन बता रही हूँ मैंने, बीच में दिया गया है जून महीना, ठीक है। जून का पीछे का महीना और जून का आगे का महीना लिखना पड़ेगा। तो जून का पीछे का महीना मई, फिर जून आता है, फिर जुलाई, ठीक है। फिर फेब्रुआरी का पीछे का महीना जनवरी, जनवरी फेब्रुआरी होगा, फिर मार्च होगा। ऐसा ही 8 नंबर क्वेश्चन, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। 9 नंबर भी ऐसा ही होगा, बीच में सितंबर दिया गया है, मतलब अगस्त होगा पहले, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। 10 नंबर में होगा फेब्रुआरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। ऐसा करके ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका बुक्स में आप गुड हैंड राइटिंग से ये पेज अच्छे से लिख कर रखोगे, ठीक है। अभी 10 नंबर क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच सीजन द वाटर इज कोल्ड। कौन सा सीजन में, नंबर वन क्वेश्चन, इन व्हिच सीजन द वेदर इज कोल्ड। कौन सा सीजन में ठंडी का मौसम होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देखो मैंने लिख कर दिया, इन विंटर सीजन द वेदर इज कोल्ड। ठंडी का मौसम में वेदर ठंडी रहता है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इन विंटर सीजन द वेदर इज कोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, व्हिच 4 मंथ और विक्रम श्रावण हैव विंटर। मतलब ऐसा 4 महीने का नाम बोलो हिंदी कैलेंडर, मतलब विक्रम संवत मतलब हिंदी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर का 4 महीने का नाम बोलो जो महीने पे ठंडी रहती है। तो इसमें कौन सा महीने आएगा, कार्तिक, मकर, पौष और माह। 4 महीने का लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, मंथ ऑफ विक्रम संवत, मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर, ठीक है। तो आप भी आपका बुक्स में ऐसे 4 महीने का नाम लिखोगे और लिखोगे मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर, ठीक है।
अभी थ्री नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, थ्री नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन व्हिच सीजन द वेदर इज हॉट, कौन सा सीजन पे वेदर गर्मी, मतलब कौन सा सीजन में गर्मी लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने क्या लिखा, इन समर सीजन द वेदर इज हॉट। थ्री नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर होगा इन समर सीजन द वेदर इज हॉट, मतलब गर्मी का मौसम पे वेदर इज हॉट, मतलब गर्मी रहता है। ठीक है, अभी फोर नंबर देखो स्टूडेंट्स, फोर नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हिच फोर मंथ और विक्रम श्रवंत हैव समर, ऐसा चार महीने का नाम बोलो हिंदी कैलेंडर का, विक्रम संवत मतलब मैंने पहले ही बता दिया हिंदी कैलेंडर जो आता है, हिंदी कैलेंडर का ऐसा चार महीने का नाम बोलो जो महीने पे समर मतलब गर्मी रहता है, तो इसमें कौन सा महीना आएगा, फागन चैत्र वर्षा जेठ मंथ। ठीक है, चार महीना नाम लिखा, फिर मैंने लिखा मंथ और विक्रम संवत हैव समर। ठीक है, तो देखो मैंने विक्रम संवत को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वी एच, लेकिन आप विक्रम संवती लिखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फागुन चैत्र वैशाख जेठ मंथ और विक्रम संवत हैव समर। अभी फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग व्हिच सीजन डस इट रेन, मतलब कौन सा सीजन पे बारिश होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग मानसून सीजन इट डस रेन। ठीक है, मतलब बारिश का मौसम पे बारिश होती है, बारिश का सीजन पे बारिश होती है। ठीक है, सिक्स नंबर, व्हिच फोर मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव मानसून, मतलब हिंदी कैलेंडर का ऐसा चार महीने का नाम आप बोलो जो महीने पे मानसून मतलब बारिश होती है, तो इसमें क्या होगा, आषाढ़ श्रावण भद्र असो और विक्रम संवत हैव मानसून। ठीक है, मतलब ये चार महीने का नाम, ये चार महीने में बारिश का मौसम है, चार महीना बारिश का मौसम है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में आप पेज चेंज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो नंबर वन क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, पहला महीने का नाम आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा पहला महीना है, तो इसमें पहला महीना कौन सा है, हम लोग जनवरी को पहला महीना बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा जनवरी। JANURY। ठीक है, और उसके साथ ही नीचे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ, और जनवरी महीने पे कितना दिन होता है, तो इसका आंसर होगा 31। ठीक है, आप पेज नंबर 102 मतलब 102 का जो पेज नंबर है उसमें एक कैलेंडर का फोटो दिया गया है। ठीक है, कैलेंडर ऑफ ईयर 2019 आप बुक चेक करो, आपका बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें एकदम जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैलेंडर का फोटो दिया गया है, मतलब कैलेंडर दिया गया है, अब इसका आंसर वो कैलेंडर देख के भी कर सकते हो, इसमें उसमें महीना कितना है और उसमें डेज वगैरह सब दिया गया है। ठीक है, जनवरी में कितना डेज है, फरवरी में कितना डेज है, ऐसा करके दिसंबर तक डेज का दिया गया है कैलेंडर में, आप वो चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी टू नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, टू नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हिच मंथ जस्ट सक्सीड दैट मंथ,
मतलब वो महीने का बाद कौन सा महीना आता है, वो महीना मतलब जनवरी महीने का बाद बोल रहा है, ठीक है। तो ये महीने के बाद कौन सा महीना आता है, तो इसमें आएगा फेब्रुआरी। और फेब्रुआरी का स्पेलिंग क्या होगा, एफ ई बी आर यू ए आर वाई, ठीक है। उसके साथ ही क्वेश्चन दिया गया है, मतलब टू नंबर का दो फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला वाला फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोगों ने पूरा कर लिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब टू नंबर का ही जो नीचे का क्वेश्चन है। नीचे का क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ, मतलब ये जो फेब्रुअरी महीना है इसमें कितना दिन होता है। तो आप फेब्रुअरी महीने का कैलेंडर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा फेब्रुअरी महीने में 28 डेज होते हैं, तो इसीलिए मैंने 28 लिखा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, 8th मंथ में कौन सा महीना आता है। तो आप काउंट करो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8th महीने पे कौन सा महीना आ रहा है, अगस्त। तो इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने अगस्त लिखा। और उसके साथ क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी डेज इट हैज, कितना डेज रहता है अगस्त महीने पे। तो आप अगस्त महीने का कैलेंडर चेक करोगे तो उसमें आप देख पाओगे अगस्त महीने पे 31 डेज होता है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हिच मंथ जस्ट प्रेसिड द मंथ ऑफ द ऑफ मे, मतलब मे का पिछले महीना मतलब बिफोर, ठीक है, कौन सा महीना है। तो मे का पिछले महीना मतलब मे का आगे, मे का बाद नहीं, मे का पिछले में, पीछे कौन सा महीना रहता है, अप्रैल, अप्रैल के बाद मे आते हैं ना, तो इसीलिए मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में अप्रैल लिखा। और इसमें भी डेज का पूछा है, हाउ मेनी डेज इट हैज़, ये महीने पे कितना दिन रहता है, मतलब अप्रैल महीना कितना दिन का होता है, तो इसमें आएगा 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मंथ जस्ट सक्सीड द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर का बाद में कौन सा महीना आता है। सितंबर का सक्सीड बोला है मतलब बाद में, ठीक है। तो सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है, ठीक है, ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर, ठीक है। हाउ मनी डेज इट हैज़, ये महीने पे कितना डेज है, 31 डेज। अभी देखो 6 नंबर क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स देखो अभी 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हिच मंथ फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त, जून और अगस्त का बीच में कौन सा महीना आता है। तो इसमें होगा जुलाई फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त, मतलब जुलाई महीना आता है जून और अगस्त महीने के बीच में, ठीक है। और उसके साथ ही क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी डेज इट हैज़, ये महीने पे कितना डेज होता है, तो उसका आंसर होगा 31 डेज। मैंने ये 6 नंबर का क्वेश्चन कर रही हूँ, पता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें व्हिच मंथ फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त, जून एंड अगस्त के बीच में कौन सा महीना आता है, ये क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। जुलाई फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त, हाउ मनी डेज इट हैज़, कितना दिन होता है इसमें, 31 डेज। अभी क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में क्या लिखा है, व्हिच मंथ्स हैव 30 डेज, कौन सा महीने का डेज 30 डेज होता है, कौन सा महीने में 30 डेज होता है। तो उसका आंसर होगा अप्रैल जून सितंबर नवंबर मंथ्स हैव 30 डेज। तो आपका लेफ्ट साइड में आपका बुक्स में जो कैलेंडर है वो आप चेक करो, देखोगे आप देखोगे अप्रैल महीना जून महीना सितंबर महीना नवंबर महीना में 30 डेज होता है, ठीक है।
8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मंथ हैव 31 डेज। अभी पूछ रहा है 31 डेज कौन सा महीना है, वो महीने का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें आएगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मंथ हैव 31 डेज। ठीक है, मैंने जैसे ही बुक्स में लिख कर दिया तो आपका बुक्स में भी आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ डेज ऑफ व्हिच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स मंथ्स। ऐसा कौन सा महीना है जिसका डेज और दूसरा महीना से मतलब अलग है, ऐसा कौन सा महीना है जिसका डेज दूसरा महीना से अलग है, मतलब हर महीने पे 31 डेज ही होता है, ऐसा कौन सा महीना है जिसका डेज अलग है। तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज ऑफ व्हिच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ्स क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर होगा नंबर ऑफ डेज ऑफ फेब्रुअरी मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रही हूँ, नंबर ऑफ डेज ऑफ फेब्रुअरी मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ। फेब्रुअरी महीना जो है वो दूसरा महीना से अलग है। ठीक है, क्योंकि आप फेब्रुअरी महीने का कैलेंडर चेक करोगे तो उसमें आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा 28 डेज। ठीक है, सिर्फ फेब्रुअरी महीने का ही 28 डेज होता है और कोई भी महीने का 28 डेज नहीं होता है, इसलिए वो डिफरेंट महीना मंथ बोला गया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टू सक्सीव मंथ हैव 31 डेज। 31 तो 9 नंबर सॉरी स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन में व्हिच टू सक्सीव मंथ हैव 31 डेज, ऐसा कौन सा महीना है जो एक महीने का बाद ही एक महीना 31 डेज है, ऐसा कौन सा महीना है जो एक महीने का बाद ही और एक महीना 31 डेज है। तो आप चेक करो आपका जो वेबसाइट में जो कैलेंडर दिया गया है उसमें आप चेक करोगे तो देखोगे जुलाई का भी 31 डेज है और अगस्त मतलब जुलाई का भी 31 डेज हुआ, उसका बाजू में मतलब नेक्स्ट महीना ही अगस्त महीना जो है उसमें भी 31 डेज हुआ, माने दो महीना जो है दो महीना एक के बाद एक 31 डेज है। ठीक है, अभी 11 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। मंथ का लास्ट मंथ कौन सा है, तो मंथ का लास्ट मंथ दिसंबर होगा क्योंकि जनवरी फर्स्ट है और दिसंबर लास्ट है, और दिसंबर का स्पेलिंग क्या आएगा, DECEMBER। हाउ मेनी डेज हैज इट, ये महीने पे कितना डेज है, तो आप दिसंबर महीने का कैलेंडर चेक करोगे तो इसमें आप देख पाओगे 31 डेज है। तो स्टूडेंट्स देखो, आप कैलेंडर चेक करके लिखोगे शायद बुक में, मैंने तो लिख कर दिया, फिर भी आप कैलेंडर चेक तो करोगे लेकिन आपको कैलेंडर याद भी रखना है। ठीक है, कौन सा महीने पे कितना डेज होता है, किसमें 31 है, कौन सा महीने पे 30 डेज है, कौन सा महीने पे 28 डेज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका पहले जो लेफ्ट साइड में आपका कैलेंडर दिया गया है उसमें लिखा गया है कैलेंडर ऑफ ईयर 2019 का जो कैलेंडर दिया गया है वो कैलेंडर आप याद रखोगे, मतलब आपको हर रोज़ का नहीं बता रही हूँ मैंने, उसमें डेज कितना आता है, जनवरी में कितना डेज होता है, फरवरी में कितना डेज होता है, मार्च में कितना डेज होता है, अप्रैल में कितना डेज होता है, ये लेके जनवरी से लेके दिसंबर तक कितना डेज होता है हर महीने पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा तो ही आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।